हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डर्मा फिलर्स के बारे में। डर्मा फिलर्स क्या होते हैं, ये किन कारणों से कराए जाते हैं, इनके क्या यूजेस हैं और इसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। जैसे कि नाम ही सजेस्ट करता है फिलर्स, डर्मा फिलर का मतलब होता है हॉलो स्पेस को भरना। डर्मा फिलर्स इंजेक्टेबल सब्सटेंसेस है जो कि फेस का वॉल्यूम रिस्टोर करने में, उसकी लाइंस को स्मूथ करने में और फेस के फीचर्स को एनहांस करने में यूजफुल होते हैं। अब बात करेंगे इसके कॉमनली यूजेस की। सबसे पहले हम बात करेंगे रिंकल रिडक्शन। विद एज कईयों के फेस पे रिंकल्स बहुत ज्यादा दिखने लग जाते हैं। डर्मा फिलर की मदद से वो अपने रिंकल्स को कई हद तक कम करा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वॉल्यूम रिस्टोरेशन के बारे में। इसमें भी एज के साथ साथ कई लोगों का कोलाजन फेस पे कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनको गैप हो जाता है और डर्मा फिलर की मदद से वो गैप को फिल करा के अपने फेस को सही तरीके का वॉल्यूम दे सकते हैं। इसमें सैगिंग को भी बहुत हद तक कम किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिप ऑगमेंटेशन के बारे में। बहुत से लोग अपनी लिप्स की शेप को लेके इनसिक्योर होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनके लिप्स बहुत ज्यादा पतले हैं। सो अपने लिप्स को सही शेप देने के लिए बहुत से लोग डर्मा फिलर्स की सहायता लेते हैं। अगला कॉमनली यूज जो इसका है वो है जॉ लाइन और चिन को एनहांस करना। कई लोगों को डबल चिन की दिक्कत होती है और उनकी जॉ लाइन प्रॉपर विजिबल नहीं होती, सो डर्मा फिलर इसमें बहुत ज्यादा आपकी सहायता कर सकता है। इस प्रोसीजर के बहुत से एडवांटेजेस हैं। इस प्रोसीजर के लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ता। ये एक बहुत ही इजी प्रोसीजर होता है जो कि 30-35 मिनट्स में ही हो जाता है और इसका कोई डाउन टाइम नहीं होता। जो भी पेशेंट इसको कराता है वो उसी दिन करा के अपने घर जा सकता है। डर्मा फिलर्स के बाद पेशेंट की जो लुक आती है वो बहुत नेचुरल आती है और पेशेंट अपने रिजल्ट से काफी सेटिस्फाइड होते हैं। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि ये प्रोसीजर एक परमानेंट इलाज नहीं है। इसका जो रिजल्ट है वो 6-18 महीने तक ही रहता है और इसमें कुछ मिनिमल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और ये थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसीजर भी है। आई होप ये वीडियो देख के आपको डर्मा फिलर के बारे में जानकारी मिली होगी। सो इफ यू लाइक आवर वीडियो, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।